हेलो क्लास एट्थ, टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट चैप्टर नंबर 8 इन योर सिविक्स, कन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। इन दिस चैप्टर वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइट्स और फंडामेंटल राइट्स विच आर प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल डिफरेंट आर्टिकल्स ऑफ आदिवासीज एंड द दलित्स, और वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज मेकिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन to protect the rights of the Adivasis. So let me start this. Many times you'd see that there are the different types of Adivasis, Dalits and Muslims, women and other marginal groups argue that simply by being citizens of a democratic country they possess equal rights, they must be respected. आपने जनरली देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के बीच में, जो हमारी कम्युनिटी के बीच में आगे बहुत सारे आदिवासी होते हैं, दलित्स होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटीज़ होती हैं, वुमेंस हैं और मार्जिनल ग्रुप्स हैं, ऐसे लोग जो बहुत ही अलग थलग पड़े रहते हैं या फिर हमारी मुख्य धारा, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, और उनको बहुत सारे अत्याचार किए जाते हैं उनके ऊपर और उन्हें बहुत तंग किया जाता है। तो वो इस तरीके से अपने आप को फर्दर एक्सप्लॉयटेशन से कैसे बचा सकते हैं, उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? तो हमारा आर्टिकल 17 कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का दैट अनटचेबिलिटी हैज़ बीन अबॉलिश्ड, कि जो पहले छुआछूत मनाई जाती थी उसको आर्टिकल 17 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि जो अनटचेबिलिटी है, छुआछूत की बीमारी है, उसको कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है, छुआछूत नहीं मनाई जाएगी। और इस आर्टिकल 17 में ये साफ लिखा गया है कि दलितों को छुआछूत से बचाने के लिए उनको एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है, उनको मंदिरों में जाने की आज्ञा दी गई है, पब्लिक फैसिलिटीज़ वगैरह में जाने की आज्ञा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति उनसे छुआछूत करते हुए पाया जाता है, ये रॉन्ग प्रैक्टिस करते हुए पाया जाता है, तो इसका मतलब है कि वो इस डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को टॉलरेट नहीं कर सकता और उसके खिलाफ़ फिर कुछ ना कुछ ये पनिशेबल क्राइम माना जाता है। फिर आर्टिकल 15 में ये कहा गया है कि कोई भी सिटीज़न हो इंडिया का, उसको उसकी रिलीजन, उसके धर्म, जाति, कास्ट, क्रीड इत्यादि, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर कभी भी उसको अनटचेबल नहीं माना जा सकता और ना ही उससे कोई विभेद किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखा गया है कि दलित्स वगैरह जो होते हैं उनको फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। इससे पहले उनकी स्थिति बहुत हमारे यहाँ ख़राब थी, कई सारे इन कम्युनिटी में जो इंडिविजुअली उनसे बहुत बैड ट्रीटेड किया जाता था, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी उनसे बैड ट्रीटेड करती थी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में आने के बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनके लिए रूल बना दिया और उनके साथ न्याय किया है। अब उनको जो है, जैसे मुस्लिम्स हैं, पारसीज हैं, दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, उनको सबको एजुकेशनल राइट्स हैं, कल्चरल राइट्स हैं, वो अपने रिलीजियस राइट हैं कि वो अपने धर्म का पालन कर सकते हैं, जिस चाहे उस धर्म को अपना सकते हैं, कल्चरल राइट्स दिए गए हैं, जैसे चाहे जैसी वेशभूषा पहन सकते हैं, कोई भी रिचुअल्स कर सकते हैं वगैरह, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में उनको बिल्कुल सबके समान व्यवहार करने की, सबके समान जीवित रहने की और उनके साथ किसी भी प्रकार का सोशल या पॉलिटिकल कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना किया जाए, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया है। मार्जिनलाइज लोगों के लिए लॉज बनाए गए हैं, जैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बनाए हैं हमारे सिटीजन्स के बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेसिफिक लॉ ऑफ पॉलिसीज़ बनाई हैं मार्जिनलाइज लोगों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ एक कमेटी बैठती है जो कि सर्वे करने के बाद में जो लोग होते हैं उनके लिए, जैसे मुस्लिम्स हैं, दलित्स हैं, आदिवासीज हैं, विमेंस हैं, तो इनके लिए क्या पॉलिसी बनाई जा सकती है ताकि इनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, कोई इनके ऊपर एट्रोसिटीज़ ना कर सके, अत्याचार ना कर सके, इसके लिए डिफरेंट इनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले स्पेसिफिक ग्रुप्स को, ताकि वो आगे बढ़ सके समाज में, तो इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं। सोशल जस्टिस को प्रमोट करने के लिए कि सामाजिक रूप से इनको न्याय मिले, तो दलित पॉपुलेशन को सामाजिक रूप से न्याय दिलाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें, जैसे इनको रिजर्वेशन प्रदान किया है दलित और आदिवासी, इसको सब्सिडीज़ पर स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए जगह मिल जाती है, एडमिशन मिल जाते हैं। उसके अलावा इनके पास एक रिजर्वेशन की पॉलिसी है ही पहले से ऑलरेडी, जिसमें कि इन्हें जॉब भी मिल जाती है और डिफरेंट कॉलेजेस में इनके लिए सीट्स रिजर्व होती हैं दलित और आदिवासी लोगों के लिए, ताकि इनको कोई भी अपॉर्चुनिटी से मिस ना होना करना पड़े। अब आता है कि जो ये आदिवासी लोग हैं, ये रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जब आते हैं तो उसमें शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, SC ST एक्ट, उन बैकवर्ड कास्ट, इनके लिए सबके लिए अलग अलग रिजर्वेशन का कोटा रखा गया है। जैसे हमें पता ही है कि हमारे देश में 27% आरक्षण जो है वो बैकवर्ड के लिए है,
बाकी का जो है 21% एससीज के लिए है, 22% एसटीज के लिए, इस तरीके से बहुत सारे रिजर्वेशंस रखे गए हैं। वीमेंस के लिए 33% रिजर्वेशन ऑलरेडी है, और अब तो सैन जनरल के लिए, जो जनरल में भी जो बहुत लोअर जनरल कास्ट है उनके लिए 10% का रिजर्वेशन किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट टाइम टाइम पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए, किसी ना किसी जॉब और अपॉर्चुनिटी में जाने के लिए इन कास्ट इंटेलिट कास्ट और ट्राइबल लोगों के एंटर करने के लिए कोई ना कोई सुविधा इनको देती है, ताकि इनको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल सके और इनको इनकी कट ऑफ भी कम जाती है कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेजेस में, जिससे कि इनको फटाफट एडमिशन मिल जाते हैं। अब आता है कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट बनाया गया है। इसमें जो ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एक्ट बनाया गया है, इसमें क्या कहा गया है, ये एक्ट जो है 1989 में बना, और इसमें बकायदा इन्होंने प्रोटेस्ट किया है लोगों ने, और उन्होंने जो अपर कास्ट के लोग का डोमिनेशन था और वो वायलेंस करते थे इनके साथ में विलेजेस के अंतर्गत, तो इसको हटाते हुए 1989 में ये एक्ट फ्रेम किया गया है, जिसमें 1970 से 1980 के बीच में कोई भी प्रकार का ह्यूमिलेशन या इल ट्रीटमेंट नहीं किया सकता दलितों के साथ में। कोई भी ट्राइबल ग्रुप या कोई भी दलित है तो उसके लिए उसके पूरा जो है उसके सारे फंडामेंटल राइट्स, उसको जीने का अधिकार, उसको एजुकेशन का राइट, उसके रिलीजन्स वगैरह, सोशल कल्चरल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड को बनाए रखने के लिए बाकायदा उसको सारी अपॉर्चुनिटी प्रदान की जाएगी। इस तरीके से दलितों को, इनको सबको असर्टिव राइट्स दिए गए हैं और गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट किया है। सभी लोगों के द्वारा ये मानना है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरीके से इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता, इनके रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्स के और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, और इन्हें एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता इनकी। तो वायलेंस अगर कोई इनसे करता तो उसके खिलाफ इन बाकायदा एक्ट है, बाकायदा बहुत सारी पनिशमेंट, और पनिशमेंट को बरकरार रखा गया है, और पनिशमेंट में इनके लिए ऊपर जो है लोगों को पेनलाइज किया जाता है फाइन करने के लिए, फाइन के साथ साथ जेल का प्रावधान भी किया गया। तो बच्चों, हमने देखा कि 1970 से 1980 के बीच में आदिवासी पीपल जो थे वो अपने राइट्स के लिए सक्सेसफुली डिमांड करते रहे, ताकि उनको लैंड एरिया, फॉरेस्ट एरिया जहाँ पर उनका रिसोर्सेज था उनसे ना हटाया जाए। उसके लिए इन्होंने बहुत सारा, मतलब बहुत ज़्यादा कहते हैं कि स्ट्रगल और स्ट्राइव किया हुआ है। तो फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट को और समझ में आया, तो इन्होंने इनके लिए इन्होंने पहले कहा कि मोड्स ऑफ ह्यूमिलेशन, कि कोई भी व्यक्ति इनके साथ में ह्यूमिलेट नहीं इन्हें करेगा, परेशान नहीं करेगा, इनको वहाँ जीने का अधिकार होगा, अगर कोई पकड़ते हुए पाया जाता तो उसको बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के जो मेंबर्स हैं उनको जैसे कि उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, ये सब कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उससे उसकी डिग्निटी पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। और दलितों और आदिवासियों को बहुत ही मीगर रिसोर्सेज जो है उनको, उनसे वंचित नहीं रखा जाएगा, और उनको जो है सारे रिसोर्सेज अवेलेबल कराए जाएंगे, और वो स्लेव लेबर नहीं बनने के लिए कोई बाध्य नहीं है। अब आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनको जो है दलितों और ट्राइबल वीमेंस के खिलाफ कोई कार्य करता है, असॉल्ट करता है, उनको परेशान करता है, उनको डिसऑनर करता है, उनकी बेइज्जती करता है, तो उसके व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरीके से हमने देखा कि एक आए थे, एक एक्ट बनाया 1989 में, जिसमें आदिवासीज एक्टिविस्ट थे जिन्होंने डिफेंड किया कि जो लोग जंगल के एरिया में रहते हैं, जनजातियाँ, जनजाति क्षेत्रों में रहते हैं, तो वो बेचारे, उनके लैंड को अपर कास्ट वालों ने ऑक्यूपाई किया, और जो उनके अपने ऑक्यूपाइड लैंड थे उनको वहाँ से हटा दिया गया, उनको माइग्रेट कराया गया, फोर्सफुली उन्हें डिस्प्लेस किया गया, इनक्रोचमेंट किया गया। तो अगर कोई व्यक्ति उनके उनके लैंड एरिया से उनको इनक्रोच करके बाहर निकालता है, तो ये एक बहुत पनिशेबल क्राइम है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन ट्राइबल पीपल्स के राइट की पूरी रक्षा की गई है कि उनका लैंड कोई छीन नहीं सकता, और उसको रिपोसेस करने की पूरी पावर है। सी के जानू नाम के एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा, जब कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इनके वायलेट हुए थे, तो उनकी गारंटी इन्होंने दी कि हाँ, इनके अगर कोई इनको वायलेट करता है, कोई इनको परेशान करता है, तो उसके खिलाफ उन्होंने पेपर मिल्स वगैरह के मर्चेंट्स, टिम्बर्स, इन सबका बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, तो इन सबका एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई, और उसके बाद में इन्होंने काफ़ी उनको जो है कह सकते हैं कि पूरे तरीके से एक स्ट्रगल किया बहुत ज़्यादा, जिससे कि धीरे धीरे उनको
बहुत ज़्यादा, जैसे कि कहते हैं ना कि सी के जानू साहब ने बहुत ज़्यादा स्ट्राइव किया, स्ट्रगल किया, जैसे कि गवर्नमेंट को उनके लिए प्लान और पॉलिसीज बनाने के लिए बाध्य होना पड़ा, और सारी गवर्नमेंट जो थी वो लार्ज स्पेंड ऑफ सम ऑफ मनी जो है बिल्डिंग इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स पर खर्च करती थी, लेकिन अब इनके ट्राइबल पीपल के लैंड्स पर भी खर्च करने लगी ताकि इनको रिहेबिलिटेट किया जा सके, उनको जहाँ से हटाया गया था उनको दोबारा कहीं और जगह अच्छी जगह पुनर्वास भी कराया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं बच्चों कि इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, जितने भी पीपल्स हैं वो सारे के सारे ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, और इनके पूरे जितने भी राइट्स हैं सिटीजन्स के, हर एक राइट सिटीज़न के राइट की गारंटी को फुल रूप से पालन करने का जो एक कह सकते हैं कि विश है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है, इक्वालिटी, बराबरी का हक, सम्मान का अधिकार और अपनी डिग्निटी को बनाए रखने का अधिकार कोई नया नहीं है, वो सभी को बराबर रूप से मिलना चाहिए चाहे कोई भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटी में अगर स्ट्रगल का प्रोसेस सिमिलर है, राइटिंग नेगोशिएशन का प्रोसीजर सब सिमिलर है प्रोसेस, तो इसका मतलब ये है कि हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री तभी बनेगी जब हर प्रकार का कास्ट, क्रीड, रिलीजन, सेक्स का व्यक्ति एक जैसे राइट को फॉलो करेगा और एक ही जैसे राइट को इंजॉय भी कर सकेगा। ओके, तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन, कीप वॉचिंग अगेन एंड अगेन टू इंश्योर अबाउट योर लर्निंग एंड टू इंश्योर अबाउट अंडरस्टैंडिंग अबाउट दिस लेसन। ओके, टिल देन गुड बाय, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियोज टू। ओके, बाय बाय।